पूरे मिलेट्स को तीन कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो आपका पॉजिटिव ग्रेन्स है, एक न्यूट्रल है और एक नकारात्मक होते हैं जो कि जिसमें गेहूं और चावल होते हैं। रागी के अंदर जो है अगर 100 ग्राम खाते हैं तो 344 मिलीग्राम जो है इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है। पोटेशियम भी है जो कि किडनी के लिए है, कैल्शियम जो है वो बोन के लिए बहुत अच्छा है। कांगनी जिसको फॉक्सटेल मिलेट है, आप देखो फॉक्सटेल मतलब लोमड़ी के जो है पूछ की तरह इसकी जो है बालियां होती है। कोदो मिलेट का ये भी पॉजिटिव ग्रेन्स है, ये ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है, इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। कल जो है क्लाइमेट चेंज के चलते हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है तापमान होते हैं और बारिश की जो है कमी होने से, सूखा होने से आजकल जो परंपरागत किस्में हैं वो इसमें काम नहीं कर पा रही है। तो इसके लिए ध्यान में रखते हुए हमारे मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और इंटरनेशनल लेवल पर भी ये मिलेट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, पूरे मिलेट्स को तीन कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो आपका पॉजिटिव ग्रेन्स है जो सकारात्मक ग्रेन्स है, एक न्यूट्रल है जिसको तटस्थ बोलते हैं और एक नकारात्मक होते हैं जो कि जिसमें गेहूँ और चावल होते हैं। हम अगर तटस्थ की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, इसमें आपका बाजरा है, ज्वार है, रागी है और इसके बाद जो है अपना चेना है जिसको हम लोग प्रोसो मिलेट बोलते हैं। दूसरा जो कैटेगरी है वो पॉजिटिव ग्रेन्स है। इस पॉजिटिव ग्रेन्स में क्या होता है कि इसको खाने से अगर किसी के अंदर कोई बीमारी हो या बीमारी होने की संभावना है तो उस बीमारी को हम जो है इसको कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। जैसे इसमें आपको बता दें कि इसमें हमारे पास जो है सांवा है, कुटकी है जिसको लिटिल मिलेट बोलते हैं और इसके बाद जो है हमारे पास कांगनी जिसको हम फॉक्सटेल मिलेट बोलते हैं और एक जो है आपका कोदो मिलेट होता है। इस मिलेट्स को अगर हम लगा रहे हैं, किसान भाइयों से हमारा ये है कि इसको खरीफ के सीजन में, बरसात के सीजन में जैसे ही मानसून की बारिश होने वाली होती है या होने को होती है, वही पहली बारिश के बाद जो है इसकी हम सोइंग करते हैं। सोइंग करने के लिए एक तो ट्रेडिशनल मेथड से हम इसको ब्रॉडकास्टिंग भी करते हैं और नहीं तो इसको कतार से कतार के बीच में करते हैं। तो इसको 25 से 30 सेंटीमीटर का जो कतार के बीच की दूरी और 5 से 10 सेंटीमीटर जो है प्लांट से प्लांट की दूरी रखते हैं। और इसको अगर हम सीड की मात्रा की बात करें तो 5 से जो है 6 किलो प्रति हेक्टेयर जो है आपके बीज जो है सफिशियंट है, इसको कर सकते हैं। खेत में रागी जो है फिंगर मिलेट ये ऐसी दिखती है, फिंगर की तरह इसकी जो है बालियां होती है और इस बालियां में दाने होते हैं, जो दाने जो है आपको जो है हल्के भूरे रंग का और सफ़ेद कलर का जो इसमें से दाने निकलते हैं जिस रागी को खाते हैं। आपको मैं बता दूं कि इस रागी के अंदर जो है अगर 100 ग्राम खाते हैं तो 344 मिलीग्राम जो है इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है। पोटेशियम भी है जो कि किडनी के लिए है, कैल्शियम जो है वो बोन के लिए बहुत अच्छा है, इसके लिए बच्चों के लिए और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं ये रागी, इस रागी से जो बिस्किट और पेस्ट्री और कुकीज़ सभी जो है तैयार किए जाते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये आपका सांवा है जो कि एक तरह का पॉजिटिव ग्रेन्स के कैटेगरी में है। सांवा है जिसको बार्नयार्ड मिलेट बोलते हैं। ये जो है इसको इकाइनोक्लोवा क्रसगली या इकाइनोक्लोवा एस्कुलेंटा फर्मेंटेसिया इसका साइंटिफिक नेम है और ये जापान में भी इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है, इंडिया में भी होता है और इस जो है एक तरह का मतलब व्रत के अंदर खाया जाता है। ये पॉजिटिव ग्रेन्स के अंदर है और इसको खाने से मतलब आपके अंदर जो भी बीमारी है या बीमारी होने की संभावना है इससे कम हो जाती है। तो ये सांवा जो होते हैं पहले भी लोग हमारे जो है पूर्वज जो है खाते आए हैं, अभी भी सांवा हो रहा है और एक तरह का बहुत अच्छा है। तो ये आपके देख सकते हैं खेत में इसकी जो बालियां हैं, जो इन्फ्लोरेसेंस है, इस तरह के सांवा के दिखते हैं। सांवा के जो बीज है वो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो है आपको सांवा का बीज यहाँ पर दिख रहा है, जो ये बार्नयार्ड मिलेट है, ये देखिए ये बार्नयार्ड मिलेट की जो है सांवा की जो है बीज है, इस तरह के जो हल्के जो है भूरे रंग का जो है और क्रीम कलर के ये पाया जाता है। अलग अलग वैरायटियाँ होती है, थोड़ा सा इसके ऊपर अगर इसको खाएंगे प्रोसेसिंग करते हैं तो इसके ऊपर छिलका जो होता है, आजकल जो प्रोसेसिंग वाली वैरायटी भी आ गई है, लेकिन जो ट्रेडिशनल वैरायटी होती है इसके अंदर जो परत होता है, इस परत को जो निकालते हैं मशीन के अंदर, उसकी पॉलिशिंग करते हैं, प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं, और प्रोसेसिंग करने के बाद इसको आटा बनाकर इसका हम वैल्यू एडेड बिस्किट और कुकीज जो है बनाकर और खिला सकते हैं। दूसरी चीज़ है आपको कांगनी जिसको फॉक्सटेल मिलेट है, आप देखो फॉक्सटेल मतलब लोमड़ी के जो है पूछ की तरह इसकी जो है बालियां होती है और इसके अंदर जो है आपको धीरे धीरे छोटे छोटे जो है ये दिखाई दे रहे हैं, जैसे गेहूं के अंदर ऑन्स पाए जाते हैं तो उसी तरह से जो है इसमें पाया जाता है। और ये जो है ये फॉक्स के टेल की तरह है, तो इसको जो है कांगनी, और कांगनी जो होता है बहुत ही पॉजिटिव ग्रेन्स और अच्छा है न्यूट्रिशन में, अगर माना जाता है इसमें बीटा कैरोटीन। इसका जो बीज होता है, बीज मैं आपको दिखा दूँ कि इसका बीज जो होता है हल्का पीला कलर
कलर का होता है जिसके अंदर बीटा कैरोटीन विटामिन ए की कमी होती प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए फॉक्सटेल मिलेट है, ये भी देखो फॉक्सटेल मिलेट जो है कांगनी की बीज है, ये दोनों आप देख सकते हैं, ये अलग वरायटी है, हल्का सा जो है पीला ज़्यादा है या थोड़ा सा कम है, मटमैला जैसा है, लेकिन इसके अंदर बीटा कैरोटीन विटामिन ए की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। और विटामिन ए के साथ साथ इसके अंदर और भी न्यूट्रिशन जो होता है, इसके अंदर जो है कैल्शियम है, इसके अंदर जो है पोटेशियम है, इसके अंदर जो आयरन है, इसके अंदर जो जिंक है, प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है और इतना अच्छा न्यूट्रिशस है। और दूसरी बात कि इससे जो बने हुए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्रंची होता है, मतलब कि अगर इससे नमक पड़े और शक्कर पड़े अगर बनाते हैं या कोई ऐसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है बनाते हैं जिससे इसकी जो टेस्ट और इसकी जो क्रंचीनेस जो होती है वो बहुत अच्छा होता है। दूसरा जो क्रॉप है ये है आपका वो लिटिल मिलेट, ये भी देखो पॉजिटिव है, इसको कुटकी बोलते हैं और लिटिल मिलेट जो है इसको कुटकी या वट्टी जो बोलते हैं गुजराती में, इसका जो बीज जो होता है ये भी मतलब बिल्कुल, इसका बीज मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर कुटकी का जो बीज है वो आपको यहाँ पर जो है मिल सकता है, ठीक है। हाँ लिटिल मिलेट का देखो कुटकी का बीज जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये भी बहुत पॉजिटिव ग्रेन्स है और इसको जो है खाने से जो है आपके अंदर जो भी बीमारियाँ है ये हो सकता है। ओवरऑल मैं आपको बता दूँ कि मिलेट्स को खाने से ये तो एक जो है आपका मतलब ग्रेन के अंदर कोई भी मतलब दूसरा जो है हानिकारक पदार्थ नहीं पाया जाता, और इसके अंदर जो ग्लूटेन फ्री है, ग्लूटेन फ्री के मतलब कि अगर इसको अगर खाते हैं तो इसको खाने से आपके अंदर जो सीलिएक बीमारी है वो नहीं हो सकता, और जो है ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है क्योंकि इसके अंदर जो शर्करा है, जो इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है मतलब स्लो रिलीज होता है मतलब शुगर जो है, इसी से जो डायबिटीज़ के टाइप 2 बीमारी है उसको हम काफ़ी हद तक इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए जो है रक्तचाप के लिए, हृदय संबंधी बीमारी के लिए और उच्च फाइबर है, तो जिसको भी कब्ज की बीमारी है या जिसको मोटापा की समस्या है इसको खाकर जो है इसमें कर सकता है। एक जो है जिसको बोलते हैं प्रोसो मिलेट चेना या चीना, तो इसको ये भी अपना जो है तटस्थ ग्रेन के कैटेगरी में आता है, ये बिल्कुल धान की बाली की तरह आपको दिख रहा है, आप दूर से देखेंगे तो आपको धान के जो है चावल से आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, और ये बिल्कुल कम दिन में 70-80 दिन में पककर तैयार हो जाता है। ये चेना और चीना जो होता है इसका बीज बिल्कुल मतलब आपको इसका कलर बता दे कि जो प्रोसो मिलेट है वो प्रोसो मिलेट का बीज यहाँ पर पाया जा रहा है, देखिए जो बिल्कुल जो है सफ़ेद कलर का जो दिख रहा है और क्रीम कलर का जो इसका बीज होता है, कुछ कुछ बीज जो होते हैं थोड़ा सा क्रीमिश जो है मतलब जो है ग्रेइश कलर का होता है, वाइट कलर का, तो इसमें जो है इस बीज को कर सकते हैं। तो ये जो है आपको मैं एक एक करके बता दूं कि इसके बावजूद हमारे पास एक बालिन है कोदो मिलेट का, ये भी पॉजिटिव ग्रेन्स है, ये ब्लड प्यूरीफायर का काम करता है, इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, ये किडनी की जितने भी बीमारी वाले होते हैं ये कोदो मिलेट का जो बने हुए जो मतलब जो आटे या उसे बने हुए रोटी जो है इसको खाते हैं, चावल ग्रुप में इसको खाया जाता है। कोदो मिलेट पहले बहुत ज़्यादा होता था, इसको कोदरा भी बोलते हैं गुजराती में। दूसरा जो है आपका लिटिल मिलेट, जैसे मैंने आपको बता दिया कुटकी पॉजिटिव ग्रेन्स है, इसका जो है ये आपका कुटकी है, इसका ब्राउन टॉप मिलेट है, यहाँ पर उसका तो बालिया तो नहीं है लेकिन ये भी होता है, ये भी पॉजिटिव ग्रेन्स है, और इसको जो साउथ में जो है मतलब जो तमिलनाडु और बेंगलोर में मतलब कर्नाटक में बहुत अच्छा होता है। एक पर्ल मिलेट का है, पर्ल मिलेट जो है आप जानते हैं पर्ल मिलेट तो बहुत फेमस है, यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में इसकी बहुत सारी मतलब जो इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, और हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारी हाइब्रिड जो संकर प्रजाति जो है डेवलप हुई है जिसको बोलते हैं, उसमें से एक जो है बायोफोर्टिफाइड जिसके अंदर जो है आपको 70-75 करीब ppm आयरन पाया जाता है जिसका नाम है धन शक्ति, ये इकरी सेट ने हैदराबाद ने डेवलप किया है वैरायटी है, ये बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है, जैसे इस बार जो है प्रधानमंत्री जी ने बायोफोर्टिफाइड वैरायटी डेवलप किया उसी तरह से पर्ल मिलेट का जो है हाइब्रिड डेवलप हुई है जिसमें है। दूसरा है आपका जो है ये रागी आप देख सकते हैं रागी का बीज जो है किस तरह से भी रागी का बीज है, ये प्रोसो मिलेट का जैसे मैंने चेना का बताया, ये फॉक्सटेल का है, ये भी फॉक्सटेल का है प्रोसो मिलेट का, ये आपका फिंगर मिलेट का बीज है, और ये आपका बार्नियर्ड मिलेट जो सांवा का बीज है। तो बीज आप देख सकते हैं क्लोजअप व्यू से किस तरह से जो है जितने भी जो मिलेट्स है आपका बाजरा हो चाहे कांगनी हो चाहे छोटी कांगनी हो कुटकी हो सांवा हो ब्राउन टॉप मिलेट हो चेना हो चीना बोलते हैं कोदो हो, ये सब का जो है बीज इस तरह से दिखता है, और इसके जो बालियां होती है जो खेत में अगर किसान भाई लगाए इसको तो इस तरह से जो है एक दूसरे को जो है हम अलग कर सकते हैं पहचान सकते हैं।